नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। 100 रुपए किलो है दाल की कीमत, अपने ही दावे पर हंस पड़े यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। सपा ने घेरा कृषि मंत्री प्रताप शाही। के अनुसार तो प्रदेश में दाल की कीमतें 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। मंगलवार को लोक भवन में मीडिया से बातचीत में दाल की कीमतों को लेकर उठे सवाल के जवाब में उन्होंने ये दावा किया है। साफ कहा, कहीं 200 रुपए किलो दाल नहीं है, आप गलत सूचना दे रहे हैं, 100 रुपए किलो से ज्यादा दाल नहीं है। सवाल दोहराए जाने पर हंसकर बात को टालने की कोशिश की। बगल में बैठे कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मुस्कुराते दिखे। कीमतों को लेकर कृषि मंत्री के दावे की सोशल मीडिया पर खासी आलोचना हो रही है। सपा सांसद लालजी वर्मा ने एक्स पर कृषि मंत्री का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्हें घेरा। कहा, कृषि मंत्री किसी और ग्रह पर रहते हैं, इसलिए इन्हें दाल के दाम मालूम नहीं है। हालांकि बात बिगड़ती देख कृषि मंत्री ने साफ किया कि हमारा काम बतौर कृषि मंत्री उत्पादन को बढ़ाना है। हमारे देश में 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए का दलहन का आयात होता है, 1,20,000 करोड़ का तिलहन का आयात होता है। ज़रूरत इस बात की है कि कैसे हम तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भर बने। समाधान यही है कि हम दलहन और तिलहन की खेती की ओर किसानों को जागरूक करें। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में दलहन व तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्ष 2016-17 में तिलहन उत्पादन 12.40 लाख टन था, जो गत वित्तीय वर्ष बढ़कर 28.16 लाख टन पहुंच गया है। इस दौरान दलहन उत्पादन भी 23.94 लाख टन से बढ़कर 32.53 लाख टन पहुंच गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।